आज हम सब लोग यहां पर बाबा साहब के सम्मान में, भारत के संविधान के सम्मान में इकट्ठा हुए हैं। एक बार जितने मां भारती के बेटे बेटियां, बाबा साहब के अनुयायी जितने यहां पर बैठे हैं, खड़े हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे जितने लोग खड़े हैं बैठे हैं सभी लोग, और पूरी ताकत से एक बार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब वंदे। अरे जय 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 भीम। अरे जय 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 भीम। जय संविधान। अरे संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। साथियों, आज इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन है। आज उनके जयंती के अवसर पर पूरा देश उनको याद कर रहा है, लेकिन हर साल हम बाबा साहब को याद करते हैं, लेकिन इस बार बाबा साहब को याद करना ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया है कि देश के अंदर 10 साल तक भारत के लोगों ने जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, आज वो सरकार इस देश के अंदर से बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी कर रही है। कल देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आज बाबा साहब भी वापस आ जाए तो भारत का संविधान खत्म नहीं कर सकते। अरे बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया। आप कह रहे हो कि जिस मां ने बच्चे को पैदा किया वो बच्चे को मारने के बारे में सपने में भी सोच सकती है? आप ये सोच कैसे सकते हो कि बाबा साहब भी कभी इस भारत के संविधान को खत्म करने के लिए वापस आएंगे? अरे बाबा साहब जिस दिन भी आएंगे, तुम्हारी तानाशाही को खत्म करने के लिए दोबारा जन्म लेंगे, भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए दोबारा जन्म लेंगे। पिछले 5 साल से टेलर देख रहा है पूरा देश, एक एक करके कैसे संविधान की आत्मा की हत्या कर रहे हैं आप, एक एक करके लोकतंत्र की कैसे हत्या कर रहे हैं आप। भारत के अंदर नया संसद भवन तो बना दिया, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड करके बाहर कर दिया। संसद तो रहेगा लेकिन विपक्ष का सांसद नहीं रहेगा। संसद हमारी मुट्ठी में चाहिए, आपका मिशन है। इस देश के अंदर चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र एजेंसी बनाई गई, चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम आपने हटा दिया, क्योंकि चुनाव आयोग आपके मुट्ठी में चाहिए, वहां भी आपकी तानाशाही चाहिए। इस देश के अंदर जितनी एजेंसियां थी जांच करने वाली, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, सबको आपने अपने मुट्ठी में कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 60 करोड़ रुपया देने वाले शराब घोटाले का आरोपी बना करके जिसको आपने गिरफ्तार किया था, शरद रेड्डी ने आपके बैंक अकाउंट में उसका पैसा पड़ा है। ईडी, सीबीआई, आईटी, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है जांच करने के। आपने एजेंसियों को अपने मुट्ठी में कर लिया, आपने इस देश के अंदर मीडिया को अपने मुट्ठी में कर लिया। कोई बोलता है तो फोन करके आप कहते हो इसे नौकरी से बाहर निकाल दो। आज इस दिल्ली के अंदर देश की राजधानी में हर पत्रकार डरता है कहीं ऐसी खबर ना निकल जाए, गलती से भी जुबान ना फिसल जाए। रात में हमारी नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, पूरे मीडिया में आपने दहशत फैला रखी है। इस देश के अंदर संविधान आपके हाथ में चाहिए,
लोकतंत्र आपके हाथ में मुट्ठी में चाहिए, संसद आपके मुट्ठी में चाहिए, और देश के लोगों ने जगह जगह जो चुन करके विधानसभाएं बनाई थी जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं थे, आपने विधायकों को खरीद लिया, ADCBI लगा करके दड़ा करके तोड़ दिया। विधानसभा भी आपकी मुट्ठी में चाहिए। लोकतंत्र का हर खंभे को आप चकनाचूर कर रहे हो। और अभी हमारे संजय भाई ने कहा दलित का बेटा राष्ट्रपति हो जाए तब भी वो आपके मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, आदिवासी की बेटी भी राष्ट्रपति बन जाए तब भी आपके मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। यही है आपका टेलर। फिल्म अभी बाकी है, जो गांव गांव घूम करके जगह जगह कह रहे हैं बहुमत की सरकार के लिए 400 नहीं चाहिए भाजपा को, भारत के संविधान को बदलने के लिए 400 चाहिए, लेकिन ये बुल्क बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इसलिए आज हम संविधान के शपथ लेने के लिए यहां इकट्ठा हुए, हम सारे आज बाहर हैं, लेकिन दिल्ली का बेटा आपका भाई अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदर से संदेश भिजवाया, मुझे जेल के अंदर जितना भी ये तकलीफ देना चाहे मैं बर्दाश्त करूंगा। उनके पत्नी से मिलने नहीं दे रहे हो, कह रहे हो शीशे के उस पार वो रहेंगे, शीशे के इस पार वो रहेंगे, इतनी अमानवीयता। अरे अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लाखों लोगों का चुना हुआ मुख्यमंत्री है। आप अरविंद केजरीवाल को अपमानित नहीं कर रहे हो, आप दिल्ली के लाखों बेटे बेटियां उन माओं को उन बुजुर्गों को अपमानित कर रहे हो, और आप सोचते हो कि दिल्ली चुप बैठेगा। अरे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए जिलो दान से काम किया है। आज अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, हम सब इस बात की शपथ लेते हैं अरविंद केजरीवाल ने हमारे लिए काम किया। 25 मई को अरविंद केजरीवाल के लिए हम काम करेंगे, इस देश के संविधान को बचाने के लिए काम करेंगे, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करेंगे। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, जब भी हम सड़क पर आते हैं गिरफ्तार कर लेते हो, जब भी हम सड़क पर आते हैं धारा 144 लगा देते हो, जब भी हम सड़क पर आते हैं लोगों को डराते हो, जब भी हम सड़क पर आते हैं विधायकों को घर में हाउस अरेस्ट कर लेते हो, जब भी हमारे पार्षद आते हैं विरोध करने, उनको कहते हो अपने परिवार का एक बार ध्यान रख लो। अरे बाबा साहब ने यही समझ करके भारत के संविधान में हर बेटे बेटी को वोट का अधिकार दिया। इसलिए साथियों आपसे कहना चाहता हूं, काम की चिंता मत करो, अरविंद केजरीवाल जिंदा जब तक है दिल्ली में काम किसी माई की लाल की औकात नहीं है, रोक दे। लेकिन आज हमारा फर्ज है, जब आपका भाई आपका बेटा बाहर था उसने अपना फर्ज निभाया, अपना धर्म निभाया, आज वो जेल के अंदर है, अपनी पत्नी से भी बात नहीं कर सकता। आज हमारा फर्ज निभाने का समय आ गया है, हमें अपना धर्म निभाने का समय आ गया है। उनके पास सत्ता की ताकत है, हमारे पास बाबा साहब के दिए हुए वोट की ताकत है। तुम्हारी सत्ता की ताकत से हम वोट की ताकत से लड़ेंगे, और 25 मई को इस जेल का जवाब वोट से देंगे, इस जेल का जवाब वोट से देंगे। घर घर जाना है, लोगों को समझाना है, आज अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, उसने अपना धर्म निभाया है, अपना फर्ज निभाया है, अब इस चुनाव में हमें अपना धर्म अपना फर्ज निभाना है। इसलिए साथियों ये लड़ाई पूरे देश के अंदर जारी है। आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां भी मोर्चेबंदी करेंगे, और जहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बात मसला पार्टी का नहीं है, भारत के संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा। इसलिए जो जो लोग इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, देश से मोहब्बत करते हैं, उनको खड़ा होना है, और इस जेल का जवाब कैसे देना है
तो एक बार दोनों मुठ्ठियां बांध करके इस नारे को फिर हम दोहराएंगे, अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब, अरे जेल का जवाब। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।